नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम आसानी से घर पे जो है कॉर्न का जो है वो सूप बना सकते हैं। तो इसका सूप बनाना बहुत ही आसान है, और अगर यह सर्दियों के मौसम में ये सूप अगर खाने से पहले मिल जाए तो वो खाने का मज़ा ही कुछ और है, और भूख भी बढ़ जाएगी आपकी और हेल्थ भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे जो है हमने एक कॉर्न लिया है, उसके अलावा यहाँ पे हमने वेजिटेबल स्टॉक लिया है, और इसको जो है हमने घर पे ही बनाया है, रेडीमेड भी आप ले सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है उसकी जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और एक गाजर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसके अलावा यहाँ पे काली मिर्च को कूट लिया है दरदरा, और नमक लिया है, धनिया लिया है गार्निश करने के लिए, थोड़ा सा मक्खन लिया है, और हम पानी का यूज़ करेंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, देख लेते हैं कैसे बनता है ये। सबसे पहले जो है ये कॉर्न को जो है कद्दूकस करेंगे। इस तरह से आप जो है इसको कद्दूकस कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका जो अर्क है वो नीचे निकल रहा है। तो इसी तरह से इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरे मकाई को जो है कॉर्न को हमने कद्दूकस कर लिया है, तो बर्तन को गैस पे हम चढ़ाएंगे, गैस को स्टार्ट कर देते हैं, और इसको जो है बर्तन में डाल देंगे। इसमें जो है थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से निकल जाए। और इसको थोड़ा सा हम उबलने देंगे, और साथ ही साथ जो है ये हमारा जो कॉर्न फ्लोर है उसमें हम पानी डाल के उसका थोड़ा सा मिश्रण बना लेते हैं, और इसकी जो है गुठलियाँ तो नहीं बननी चाहिए, डायरेक्ट इसमें अगर कॉर्न फ्लोर डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएगी। तो इसीलिए कॉर्न फ्लोर को जो है पहले हम पानी में मिक्स कर लेते हैं। जो है सूप को थोड़ा सा गाढ़ा बना देता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। इसको हम थोड़ा चलाते रहेंगे। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी हम डाल देते हैं। गाजर के जो पीसीस थे वो डाल देते हैं। इसके अंदर नमक डाल देंगे यहाँ पे,
नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो स्टॉक बनाया है वेजिटेबल स्टॉक उसमें भी नमक था, और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हमारा जो स्टॉक है इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसको चलाते रहेंगे। और इसको जो थोड़ी देर हम ढक देते हैं और 5 मिनट तक इसको उबालेंगे, और थोड़ी थोड़ी देर पे इसको हम चलाते रहेंगे जिससे कि जो है हमारा जो कोन है वो नीचे तले पे चिपक ना जाए और जल ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़िया खुशबू आना शुरू हो गई है और ये सूप भी हमारा बन के ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं, विनेगर जो है इनके लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो है हमने नींबू का रस लिया। और थोड़ा स्वाद के लिए यहाँ पे हम मक्खन जो है वो डालेंगे, आप वही भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। इसको मिला देंगे और इससे जो है थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो अभी गैस को यहाँ पर बंद कर देते हैं। सूप जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा धनिया भी डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि सूप जो है बन के रेडी हो चुका है। सूप को जो है हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करके निकालिए, नहीं तो जो है सब्जियां जो है वो नीचे पड़ी रहेगी। इसमें थोड़ा सा एडिशनल धनिया डाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो सूप है वो बन के रेडी हो चुका है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है, और ये बच्चे जो है बहुत मज़े लेके पियेंगे, और बड़े को तो ये पसंद आएगा ही आएगा। तो ये खाने से पहले आप पियेंगे तो आपकी भूख भी बढ़ जाएगी और आपकी हेल्थ भी बढ़िया हो जाएगी। तो सर्दियों में आप इसको ज़रूर ट्राई करें, वैसे तो कोई भी सीज़न में खा सकते हैं।